ना भाई, ये चल, एक मिनट, ये चल क्या रहा है? इससे पहले कि आप समझ पाए कि आपके साथ हुआ क्या है, हम खुद ही आपको बता देते हैं। बताइए। देखिए, आईपीएल 2023 में कल से यानी कि 6 मई से शुरू होने वाला है राइवलरी वीक। एंड सिंस मेरी फेवरेट टीम है मुंबई इंडियंस, लेकिन वो आपकी नहीं है, आपकी फेवरेट टीम कोई और है, तो इधर से या उधर से कहीं से भी आप राइवल हो मेरे लिए। मेरी ऐसी कोई फेवरेट टीम अलग से नहीं है, लेकिन दया आती है मेरे को कुछ टीमों में, दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर जीत नहीं पाते बेचारे, तो बस और कुछ नहीं। लेकिन राइवलरी वीक स्टार्ट हो रहा है और कौन कौन है एक दूसरे के राइवल, चलिए बात करते हैं, और कौन जीता पिछले मैच में। तो सबसे पहले जो राइवल है जो कि छेता रिकवाएंगे, राइट, बिल्कुल बिल्कुल सीएसके वर्सेस एमआई यानी बिल्कुल। कि मुंबई इंडियंस। ये जो 2 मिनट का साइलेंस था वो इसीलिए था क्योंकि मुंबई इंडियंस हार गई थी। यस यस यस। सीएसके और मुंबई इंडियंस का जो पिछला मुकाबला हुआ था दोस्तों, उसे सीएसके ने जीत लिया था और उसमें रविंद्र जडेजा मैन ऑफ द मैच थे। लेकिन हाँ, मुंबई इंडियंस फिर से अपना मैच जीतेगी और ये वाला भी जीत जाएगी ना, तो मैं जरूर बोलूंगा मेरा लेकिन पुत्र। मुंबई हार गई थी। और दूसरा मैच जो है वो डीसी वर्सेस आरसीबी, अरे दिल्ली भाई, वर्सेस आरसीबी। आरसीबी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है इस सीरीज में। दिल्ली पता नहीं क्यों थोड़ा सा कमजोर हो गई है। मैं ना थोड़े दिन पहले जब दिल्ली राजा रावे था शूट पे, यार पता नहीं, एक भैया थे वहां पे, वो डीसी का मैच चल रहा था और केकेआर का चल रहा था, वो बोले यार डीसी को तो हर कोई हरा रहा है। खैर, इस बार आरसीबी ने भी हरा दिया था पिछले बार, बिल्कुल तो डीसी की उम्मीद मुझे कम है, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उसमें। तो ये 2 मैच होने वाले हैं 6 तारीख को। बात करते हैं 7 तारीख की। तो पहला जो मैच है वो होने वाला है गुजरात वर्सेस लखनऊ। बिल्कुल, और गुजरात डिफेंडिंग चैंपियन है, बहुत ही अच्छा इस सीरीज में भी अभी तक खेल रही है। पिछला जो मुकाबला था गुजरात और लखनऊ का, उसे गुजरात ने 7 रनों से जीता था। मोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच थे। और उसके बाद जो मैच होने वाला है वो है आरआर वर्सेस एसआरएच, ये बाबा काफी राजस्थान अच्छा वर्सेस मैच हैदराबाद। हो सकता है ये। राजस्थान और हैदराबाद का पिछला मुकाबला राजस्थान ने शानदार 72 रनों हाँ, से जीता था, काफी इजी। बड़ी जीत T20 फॉर्मेट में। इजी हो गया था। बटलर मैन ऑफ द मैच थे, 22 गेंदों में 54 रन उन्होंने बनाए हाँ थे। यार, बढ़िया बना दिए थे। लेकिन अभी क्या होगा अगला, ये देखने का है। तो 8 तारीख को जो मैच होने वाला है यानी कि अगले दिन, केकेआर वर्सेस पंजाब, कलकत्ता वर्सेस पंजाब का मैच होने वाला है। और पिछला मैच जीता था पंजाब ने। पंजाब हाँ बिल्कुल, जीत रहा है, हाँ पंजाब जीता था। कभी कभी जीत जाता ओ है। माय गॉड, पंजाब इज विनर। क्या होता है दोस्तों कि ये क्रिकेट तो वैसे ही अनिश्चितताओं का खेल है, कभी कभी कोई अचानक से किसी पे भारी पड़ जाता है। वैसे पिछले मैच में DLS यानी कि डकवर्थ लुईस सिस्टम भारी पड़ गया था KKR पे। इस पे ना मैं सोच रहा हूं कि हम खास अपने व्यूअर्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाए DLS पे, क्योंकि इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। मुझे भी अभी तक बहुत अच्छे से DLS समझ में नहीं आता है, और डकवर्थ लुईस मुझे सिस्टम। बहुत अच्छे से क्या आता ही नहीं है, तो टेंशन है ही नहीं अब मेरे को। फिलहाल पिछला मैच जो हुआ था केकेआर और पंजाब का, जिसमें अर्शदीप सिंह मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने शानदार 3 विकेट लिए थे। क्या बॉलर है यार बॉलर अर्शदीप अच्छा है, सिंह, लेकिन अगला मैं बताऊंगा। बताइए जो अगला मैच 9 तू भी तारीख को बोल होने वाला है ले। वो होने वाला है मुंबई वर्सेस आरसीबी, और वो मैच मुंबई हार गई थी। मेरे को इस बात की ज्यादा खुशी नहीं कि आरसीबी जीती थी, ज्यादा अच्छा लगा मुंबई आ रही थी। फेवरेट टीम। विराट ठीक है, खेल है, हार जीत होती रहती है यार। कोहली ने 82 रन मारे थे, 82। डुप्लेसी 73 रन मारा था, मैन ऑफ द मैच था, और मुंबई हार गई थी। आरसीबी जीत गई थी शानदार 72 रनों से, बहुत बढ़िया खेला था आरसीबी ने। लेकिन एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि ये मैच आरसीबी जरूर जीतेगी, और आप जानते ही हो मैं क्या कहूंगा। आरसीबी जीतेगी, आरसीबी जीतेगी, आरसीबी जीतेगी। देखिए, क्या बोला सच्चाई मैंने, आखिर मुंह से निकल जाती है दोस्तों। एमआई हारेगी, खुद फेवरेट, कुछ नहीं हो सकता इसका। अगले मैच की बात करते हैं, 10 तारीख को कौन सा मैच है?
मैं बताना चाहूंगा हमारे फ्रेंड्स को, व्यूअर्स को, कि 10 तारीख को अगला मैच है भाई, बताओ कौन जीतेगा कौन हारेगा। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली का ये मैच है, और इस सीजन में ये पहला एनकाउंटर है सीएसके और डीसी का। हाँ तो धोनी और वार्नर दो बहुत ही दमदार प्लेयर आमने सामने होंगे यार। मतलब ये लोग ना लास्ट तक एकदम भिड़े रहते हैं, तो ये एकदम इस तरह के खतरनाक प्लेयर्स हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक बहुत बढ़िया खेलती आई है, तो फुल फॉर्म में है। एक अग्रेशन जो उनका बना हुआ है, एक उनका जो रिदम बना हुआ है, वो देखने को मिल रहा है। दिल्ली कैपिटल्स अभी तक तो अधिकतर मैचेस दिल्ली ने अपने इस सीरीज में हारे हैं, तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली इस मैच को जीतने के लिए, खासकर ये राइवलरी सीरीज जो चल रही है 12 तारीख तक, 6 से 12 तारीख तक, उसे जीतने की दिल्ली बहुत कोशिश करेगी पूरा दम लगा के। यस। और एक और मैच होने वाला है अगले दिन, यानी कि 11 तारीख को, वो भी पहला मैच हो। बिल्कुल, वो भी पहला एनकाउंटर है, केकेआर वर्सेस आरआर। वाह क्या बात है, केकेआर वर्सेस आरआर, पहला एनकाउंटर। मतलब इस साल इन लोगों का कोई मैच नहीं हुआ है, कोई फिलहाल हारे तो जीते नहीं है। छोड़ो इसमें क्या होता है ये देखना, मजा आएगा। लेकिन अगला 12 तारीख आखिरी दिन, जबरदस्त, दो ओहो, टीमें। और दो ऐसी टीमें जो चैंपियंस रह चुकी हैं फिर से। अब जब मुंबई की बात आई रही है, तो मैं बताना चाहूंगा कि मुंबई 5 बार चैंपियन रही है, 5 बार। लेकिन 12 तारीख को गुजरात और मुंबई के बीच जो मैच होने वाला है, उससे पहले जो उनका मैच हुआ था, उसमें मुंबई हार गई थी। यस, मुंबई हार गई थी, कोई बात गुजरात नहीं, जीत कोई बात नहीं, मुंबई 5 बार जीती है पूरे के पूरे आईपीएल के 5 सीरीज। गई भाई। गुजरात नई नई आई है, पहला आईपीएल खेला, पहली बार जीत गए, दूसरी बार मुंबई को फिर से हरा दिया, अभी एक और मैच होने वाला, फिर हरा देंगे, टेंशन नहीं है। तो ये रहेगा भाई अपना राइवलरी वीक। कुल मिला के बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है राइवलरी वीक, और बहुत ही, क्या कहना चाहिए, बहुत ही इंटेंस मैचेस हमें इस हफ्ते देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये हफ्ता जरूर मिस ना करें, और हमारे चैनल एंकर्स कट पर भी ये हफ्ता बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि इन सारे मैचेस के अपडेट्स हम आप तक हर रोज पहुंचाएंगे। एंकर्स कट को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा इसे अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हम हमेशा कहते हैं कि यूट्यूब के साथ साथ हम फेसबुक पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी हैं। इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिल जाऊंगा एंकर आरजे अरविंद, और बोलना बता दे। एंकर मयंक सोनी, ये बोलने देगा अभी भी, एंकर मयंक सोनी के नाम, मेरे को ज्यादा फॉलो करना, ठीक है। फिलहाल चलें मैच देखेंगे, मजा आएगा, राइवलरी वीक चालू होने वाली है। चलो चला चलें, जाए। बाय।